कमोडिटी प्ले आज भी बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। ठीक है भाई साहब, इन सब को रखेंगे रडार पे। ये क्यूज हैं, थोड़ी सी रिलीफ, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ सस्टेन्ड रिलीफ शायद ना हो। तो आज एक्सपायरी का दिन है, हल्की रिलीफ है, तो सोचा थोड़ा सा, वैसे कितना भी विपरीत परिस्थिति हम लोग ग्रीन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। तो अब स्क्रीन मॉनिटर करिएगा, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन 650 के आसपास खुलने जा रहे हैं। 700-750 के जोन से एक बार निकले तो शायद थोड़ी सी तेजी और फर्दर लेग जो एक्सपायरी के दिन या फिर आने वाले दिनों में। पर एनीबडीज गेस, दिन के दौरान किस तरह के न्यूज फ्लो होते हैं, बाजार इस फेड के स्टेटमेंट को लेकर क्या वाकई आज शॉर्ट कवरिंग के मूड में आता है फुल फ्लेज या नहीं आता है, FIIs क्या तेजी में फिर से और डंपिंग बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये सब इफ्स एंड बट्स लगे हुए। तो जो टीम बता रहा हूं वो सिर्फ ऐड करनी है आपको स्क्रीन पे, और ये बेसिकली वो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं। ये 20 स्टॉक्स दरअसल वो होंगे जो आज फोकस में रखने चाहिए। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। एक्सिस में रह रहे के लग रहा है तैयारी हो रही है कि थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप करेगा। इनफैक्ट मैं कल जब यूएस का कंटिन्यूस सेशन था तब मैं बहुत क्लोजली ADRs को वॉच आउट कर रहा था, तो एक्सिस का ADR में तो ये दूसरा तीसरा दिन हो गया कि बैक टू बैक बीच बीच में बहुत अच्छी तेजी वो ADR पिकअप करने की कोशिश कर रहा था। खैर, हिंदुस्तान के बाजार में कल जब पुल बैक का दिन था तो ये बेटर स्टेट पे थे। ICICI मंडे को अच्छा मूव दिखा रहा था, एक्सिस कल 1% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। होपफुली आज के ट्रेडिंग सेशन में दोनों इन ग्रीन आपको शायद नजर आए। तो ICICI बैंक मंडे को जो 3-3.5% चला था या लो से बढ़िया रिकवरी आई थी वो सारा निगेट हो गया था कल के ट्रेडिंग सेशन। अब आज फिर एक्सपेक्ट करना एक्सपायरी के दिन अगर थोड़ा सा बाजार तूल पकड़ने की कोशिश कर लेता है ये दोनों स्टॉक शायद हरे निशान में हो। ऐसे ही फिर दो IT मेजर्स, ये वही स्टॉक्स हैं जब मूड बिगड़ता है तो मैं रह के इनमें से कुछ स्टॉक्स को सेलेक्टिवली मेंशन करता हूं कि शायद वीकनेस क्रीप इन वापस होती हुई नजर आएगी। तो सिर्फ मूड का खेल। रशिया यूक्रेन एस्केलेशन तो जस का तस बना हुआ, नीरज जी ने मेंशन कर दिया। जर्मी पॉवेल की टेस्टिमनी थोड़ी बहुत रिलीफ के तौर पे है, वो भी क्योंकि उन्होंने कह दिया 25 का वर्ड मुंह से, इसलिए बाजार थोड़ा सा हाथों हाथ ले रहा था। और एक्सपायरी थी और कल का वो शायद रिकवरी थोड़ा सा और तूल पकड़े तो विप्रो और इंफोसिस दो बढ़िया IT कंपनीज रखेंगे रडार पे। मुझे TCS पसंद आता है लेकिन TCS वो बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद से और वो रिकॉर्ड डेट पे आते आते तक सारा मोमेंटम जो फिजल आउट हो रहा है थोड़ा सा कंसर्निंग है, इसलिए TCS को अभी नहीं रख रहा हूं, विप्रो और इंफोसिस को इन पर्टिकुलर। इनके न्यूज फ्लोज भी अलग अलग, किसी ने किसी के साथ टाई अप, किसी को किसी के साथ वो ऑर्डर बैक करने की खबरें, तो इसीलिए इन दोनों को मेंशन कर रहा हूं। इन दोनों को भी ग्रीन में आप शायद दिन के दौरान देखें, पर ये वो दिग्गज स्टॉक्स हैं जहां मूड बदला ये सब पड़ जाएगी कहानी। इसे स्क्रीन पे ऐड करिएगा, बहुत क्लोजली स्क्रीन को मॉनिटर करिएगा। नीरज जी आपने 3 बता दिए, 4 बता दिए। चलो मैं भी बताता हूँ फटाफट। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि कल के कई स्टॉक आपको हमारी टीम में दोबारा से मिलेंगे, जिसमें वेदांत, हिंडालको, नैलको, तीनों मतलब इसलिए हमने लिए हैं। अलग वेदांत में एक डिविडेंड की खबर है 13-14 रुपये का दिया, लेकिन मैं उसको साइड में खबर, मेन खबर ये है कि एल्युमिनियम के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे खड़े हुए हैं और लगातार तेज़ी बनती दिख रही है। कल भी मैंने इंडालको रखा था, सोमवार को भी इंडालको था और उसने एक बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न कमा की थी। तो नॉन फेरस वाले जैसे मैं आपसे कहता था कि अभी एल्युमिनियम के प्राइस देखिए कल कितना बड़ा है, 4.6%, जो कि कन्वर्ट होता है $160। तो हफ्ते भर में 10-11%, महीने भर में अगर 20% दाम बढ़ रहे हैं एल्युमिनियम के, तो मुझे लगता है इन तीनों ही कंपनीज़ को बड़ा फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ये एल्युमिनियम के बड़े प्रोड्यूसर हैं और वो कारण वही है कि रशिया में जो इतना तनाव बढ़ रहा है तो एल्युमिनियम की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसके बाद फिर आता है कोयले वाला खेल, तो ये 3 स्टॉक, वेदांता, नालको, हिंडालको। इसके बाद आता है कोल इंडिया। कोल की कीमतें हमने आपसे कल कही थी कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही, पूरा एनर्जी बास्केट बढ़ रहा है और आज कोल की कीमत है $400 per ton। मुझे ध्यान है कल हमने आपसे $300 कहा था, 32-33% की ग्रोथ है। तो इतनी भयानक तेज़ी अगर कोल में आ रही है, साल भर में 3.5 गुना हो गया है कोल की कीमत, तो कोल इंडिया कल इसीलिए 8-9% चला भी था, इसका मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइंस इनके पास है और इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक भी बढ़ेंगे, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। NMDC पे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मेटल की कीमतें बढ़ रही हैं तमाम, अब तो फेरस भी शामिल हो गया उसमें, आयरन वाली कंपनीज भी, तो इसलिए इसको भी रखा है। और JSPL भी, क्योंकि JSPL ने कल बताया भी था कि कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कीमतें बढ़ रही हैं, JSPL के पास अपनी कोल माइंस हैं तो इनके पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पूरा मेटल पैक आज आपके रडार में फिर से होना चाहिए। 6 हो गए मेरे, बढ़िया है। तो अगले 2 स्टॉक्स